लखीमपुर से देहरादून जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सितारगंज के पास NH-74 पर पलट गई। बस के पलटने से लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। वहीं सूचना पर क्षेत्र अधिकारी सितारगंज ओम प्रकाश सिंह समेत सितारगंज पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से अभी घायलों को जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। किधर से? इधर से, जिसे पलिया से। हाँ, बोलते हैं सर। और देहरादून के लिए जा रही थी, बहुत ही स्पीड में बस थी सर, बहुत ही स्पीड में। फिर जिसने स्टेयरिंग नहीं संभाल पाई और जो है ठोक दिया सर। नशे में था ये सर, नशे में। आज 9:55 पे हमारे पास नया गांव साइड से बस से घायल अवस्था में पेशेंटों को लाया गया था, जिसमें टोटल 17 पेशेंट हैं। उसको कुछ फीमेल पेशेंट और कुछ मेल पेशेंट हैं, जिनमें से एक पेशेंट को अभी स्कैपुला का फ्रैक्चर होने के चक्कर से हमने आके रेफर किया है। बाकी पेशेंटों का उपचार और एक्सरे यहीं पे किया जा रहा है। जी, 70-75 लोग थे। क्या कंडीशन थी बस की आने में? कंडीशन थी ये बहुत तेज रफ्तार से लेके चल रहा था, लिमिट से ज्यादा थी गाड़ी जी। ये तो हमको पता नहीं है, जो भी करे हो वो करे होंगे, हम ये जाएंगे नहीं। डीजे बजा रहा था, उसमें गाना बजा रहा था। सुरक्षित कर दिया। अभी कोई कैजुअल्टी नहीं है, छोटी मोटी हल्की चोटें हैं।